ग्यारह इमाम है ना, ये 11 और इनकी औलाद के साथ उम्मत ने किया क्या है? अल्लाह, हजरत अली शहीद किए गए, हजरत इमाम हसन शहीद किए गए, हजरत इमाम हुसैन शहीद किए गए, हजरत इमाम जैनुल आबिदीन को कैद रखा गया, अल्लाह जहर दिया गया, हजरत इमाम बाकर के साथ क्या हुआ, इमाम जाफर सादिक को कितना अरसा कैद रखा गया, बादशाह बुला के तौहीन करता रहा। अच्छा जी, मंसूर बादशाह का वाकया, उसको एक मक्खी बैठ जाती है ना कभी, वो हटा रहा, वो हटती नहीं है, बार बार मक्खी से वो लड़ रहा था। हजरत से उसने कहा कि ये अल्लाह ने मक्खियां क्यों पैदा की हैं? फरमाया, जाबिर लोगों का गुरूर तोड़ने के लिए। जबाबेरा जो है ना, उनका ये जो एहसास, उसको जवाब ऐसा दिया कि उसको इनके अकवाल पढ़े, इनके अखलाक, इनके अखवाल भी बड़े प्यारे हैं हजरत, माशाल्लाह। यानी टेस्ट किया जा रहा है कि जी असली सैयद हैं या नहीं। अच्छा, लोगों को, बादशाहों को, वो उमवी थे या अब्बासी थे, इंसान थे ना, उनको इस चीज की चीज ये बर्दाश्त नहीं हुई कि लोग इनको क्यों ज्यादा चाह रहे हैं और हमें क्यों नहीं चाह रहे हैं। अल्लाह, बादशाह के पास नहीं आ रहे हैं, लोग इनके पास जा रहे हैं। तो अइम्मा अहले बैत के साथ उम्मत ने क्या किया, अहले बैत नबूवत के साथ सहाबा ने नहीं किया। बहुत प्यारी बात। सहाबा इन लोगों के लिए किस तरह इनकी खिदमत करते रहे, सहाबा चले गए, आगे औलाद क्या कर रही है, वो अपने अमल की खुद जिम्मेदार है। तो आज जरूरत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बने। उनके वफादार बनने का मतलब ये है कि उनके शहर की मट्टी भी हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मेरे लिए वो भी प्यारी और मोहतरम हो। इमाम नबवी फरमाते हैं ना, मदीना के दरो दीवार को चूमो, कौन सी हवा लग रही है उसको। आज हम क्या कर रहे हैं, हमें वफादारी के ये कि नबी के सहाबा हों, नबी की अजवाज हों, नबी की औलाद हों, नबी के प्यारे हों या नबी के तारे हों, हमें सबसे मोहब्बत करनी है, एहतराम करना है। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। वाह 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 वाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।